तो स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो है, इसलिए मैं रोवानी में आया ना, मैं यूर्त में रुकने आया ना, मैं सेंटा क्लॉज से मिलने आया, कल मैं रेनडियर स्लेडिंग करूंगा शायद ना, मैं वो करने आया। मेरे पास एक मेल आया कि भाई क्या आप इस जगह आना चाहोगे। मैंने भाई मेक्सिको से डिसाइड कर लिया था रोमानी में जाना है, और ये तो करना ही करना है। तो आज की जो वीडियो है मैं इसके लिए आया हूँ, टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। और आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मौसम बिल्कुल साफ है, पर आज ऑरोरा नहीं दिखेगी क्योंकि आज सोलर इंटेंसिटी वो जो भी होता है वो कम है काफ़ी। तो भाई टूर तो शुरू होएगा हमारा 10:45 पे, मेरे को सेंटा क्लॉज विलेज पे मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाके मिलना है, वहाँ से मेरे को पिकअप करेंगे और हम जाएंगे रोवानीमी से 170 किलोमीटर दूर ये टूर शुरू करने हैं। 170 किलोमीटर सोचो भाई, ठीक है। तो और बीच में खाना भी देंगे वो शायद वहीं पे, और वापस भी छोड़ के जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ भाई पोलर आइस ब्रेकर पे। आइस ब्रेकर क्या होता है भाई, जैसे समुंदर जो है सर्दियों में जम जाते हैं, ये जो आर्कटिक सी है ना, और छोटे मोटे समुंदर भी जम जाते हैं, तो उन समुंदरों में चलता है भाई आइस ब्रेकर जहाज। जो नॉर्मल जहाज होगा वो नहीं चल पाएगा उन समुंदर में, क्योंकि बर्फ़ जमी है, वो काट नहीं पाएगा बर्फ को। पर ये आइस ब्रेकर क्या होते हैं भाई, ये बर्फ़ काट देते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं। तो हम इस पे आज शिप पे जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं। तो आप तो चल ही रहे हो मेरे साथ, तो मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, ठीक है। पर मेरे को बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है, बहुत ज़्यादा ही। वो पिज़्ज़ा मैं कल लाया 1200 रुपये का पिछली वीडियो में भाई, रूम पे लाते लाते ठीक है भाई, पत्थर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, माइक्रोवेव करने लायक तक नहीं रहा, इतना घटिया पिज़्ज़ा था वो, इससे अच्छा बर्गर लेके आ जाता। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुपर मार्केट, सुबह के बजे हैं 9:25 और सेंटा क्लॉज विलेज पहुँचना है मेरे को 10:45 तक, मेरे को पिकअप करने आएंगे। तो यहाँ सुपर मार्केट 700 मीटर है और फिर वहाँ से सेंटा क्लॉज विलेज 2 किलोमीटर है। तो चलते हैं, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, कुछ पेट में डाल लेते हैं पहले, फिर और एनर्जी आ जाएगी। तो ये ले लिया था भाई मैंने, 6 पीस तो इसके हैं, सही है, और काफ़ी, आधा लीटर चॉकलेट मिल्क और एक केला, केला मैं खा गया। अब चल के जाना है, 1.5 किलोमीटर बचा है। देखना ये क्या पागल बनती है, था ऑफिशियल सेंटा क्लॉज ऑफ आर्कटिक सर्कल। ओ भाई यार हद हो गई। ये मिल रहा है रेनडियर का मीट, अगर आपको खाना है 400 ग्राम डिब्बे के अंदर पैक कर दिया रेनडियर को भाई, 400 ग्राम 15 यूरो का। इतना बड़ा नहीं चाहिए तो भाई आप छोटा भी ले सकते हो, 200 ग्राम 9 यूरो का। अजीब लग रहा है यार, तो कुछ मतलब। तो भाई यहाँ पे भी एक सेंटा बैठा है, पर वो मतलब आप बिना मिले उसको देख के आ सकते हो, उसको भी मतलब आप फ्री में देख सकते हो, मिल भी फ्री में सकते हो, पैसे नहीं आपसे चार्ज करेंगे। यहाँ पे भी वही प्राइस था, 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो, पर यहाँ पे वीडियो नहीं दे रहे थे, वीडियो बना ही नहीं देते यहाँ पे। तो वो वाला सेंटा बेटर है भाई भाई क्या ही चल रहा है यार, इनको ही मतलब अजीब नहीं लग रहा, दो दो बिठा रखे हैं यार। अपनी बस पोलर आइस ब्रेकर की मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे आ गया था मैं, एल्प्स 3 एल्प्स रेस्टोरेंट, और बस आ गई, अब इसमें बैठते हैं। तो यहाँ पे रुके हैं भाई बस में पेट्रोल डलवाने के लिए, 45 मिनट हो चुके हैं चले हुए, अभी भी 1.25 घंटा और बचा है, काफ़ी दूर है पर ठीक है, बस मैं आराम सोते हुए जा रहा हूँ। और यहाँ की रोड भी बिल्कुल बिना खड्डे वड्डे वाली होती है, तो आराम से नींद भी आ जाती है, मज़ा आएगा भाई। तो भाई यहाँ पे अपनी ये बस पे लोगो लगा हुआ है शिप का, और वहाँ पे खड़ा है असली वाला शिप, पहुँच गए हैं भाई। भाई जैसे कि आप देख सकते हो समुंदर यहाँ पे जमा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई खाना खाने आ गए, क्योंकि खाना इंक्लूडेड है, तो सुबह से कुछ खाया नहीं होगा लोगों ने, तो इनको खाना खिलाने के लिए आए हैं। यहाँ पे नाम के साथ रिजर्वड है नवांकुर भाई, इंडिया से भाई ये आया था, सूख वेजिटेरियन है ये भी, और ये भी वेजिटेरियन है। क्या आपको लग रहा मीट है, नहीं भाई ये वीगन है, मतलब वेजिटेरियन के नाम पे मतलब वीगन टाइप, ये आलू है, ये मीट बॉल्स है पर वीगन है ये। तो भाई ग्रुप्स इसमें डिवाइडेड हैं, इसमें आपको स्विमिंग करने को मतलब मिलेगा, वो मैं बाद में समझाऊंगा। अपने वाला येलो 3 बजे करेंगे हम, अभी बज रहे हैं 1:10। भाई ये हम जा रहे हैं, और ये देखो
सीधा नीचे जाता। भाई ये क्या चल रहा है, भाई मैं सुबह से भूखा मर रहा था, खाना भी खा लिया पर जल्दी जल्दी खा के आ गया, थोड़ा रह भी गया क्योंकि शिप चलना स्टार्ट हो गया यार। और उन्होंने कहा आपका शुरू के एक घंटा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरू के एक घंटा शिप चलेगा और उसमें आप बर्फ टूटते हुए देख सकते हो। तो अभी तो रुक गया, शायद फंस गया बीच में, फंस भी जाता है, ये ऐसी बात नहीं कि तोड़ता ही रहेगा, फंस भी सकता है। कह रहा था ना जहाज फंस भी सकता है, आगे बर्फ थोड़ी ज्यादा मोटी होगी तो अब रिवर्स ले रहे हैं, रिवर्स लेके ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे या फिर दूसरा रास्ता लेंगे, जो भी मतलब इनको सही लगेगा। बहुत आवाज हो रही है और यहाँ पे तो अब चलते हैं जहाज के ऊपर क्योंकि वो कह रहे थे कि आगे से सबसे अच्छा व्यू मिलेगा आपको बर्फ टूटने का। लोग देखो कितने हैं, एक भी खड़े होने की जगह ही नहीं है, कैसे कैसे खड़े हैं लोग। अबे क्या हो गया, शिप के पुराने पाथ दिखाता हूँ, मेरे को लग रहा है वो भी पुराना पाथ है, देखो ठीक है ये भी पुराना पाथ है और मैं हाथ ज़्यादा देर बाहर नहीं निकाल सकता, -15 हो रहा है, ये भी पुराना पाथ है और यहाँ पे पूरा घूमता है, मतलब अब ये इस वाले से जा रहा है क्योंकि सामने बर्फ़ आ गई थी ना तो इसने रिवर्स कर लिया, नहीं टूट रही होगी भाई वो, ज़्यादा जम गई होगी, तो अब यहाँ से जा रहे हैं देखो पुराने वाले से या फिर बैक ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर ये नज़ारा है। तो भाई लोग उतरना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पे शिप लग गया है और सीढ़ी लगा दी उन्होंने और हम भी अब उतर के फोटो लेते हैं मस्त मस्ती। और ये भाई हमको मिले हैं तमिलनाडु से, वैसे तो आयरलैंड में सेटल्ड हैं दीपक भाई। इनके पास है गोप्रो, इनके गोप्रो का थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे। तो भाई आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ मैं खड़ा हूँ समुंदर पे और इतनी ठंड है, देख लो कि समुंदर जमा पड़ा है, तोड़ तोड़ के आया है यहाँ तक, और मतलब उतना बड़ा तो नहीं है जितना क्रूज होता है पर हाँ बड़ा तो है। अब पीछे वहाँ पे लोग ना स्विमिंग भी कर रहे हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको कैसा क्या है, पर ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना भाई, मैंने इतनी ठंड मेरे को लगता कहीं भी एक्सपीरियंस करी अभी तो, पता नहीं क्यों लग रही है मेरे को यार इतनी ज़्यादा, ग्लव्स नहीं है ना शायद इसलिए लग रही है, तो बार बार मैं हाथ पहले गर्म कर रहा हूँ और उतना मूव ही नहीं चल रहा मेरे, और फिर कुछ फोटो वीडियो खिंचवा रहा हूँ। तो ये है भाई देखो मेरे पीछे, सारे बंदे ऐसे मेंढक से बन गए हैं और इनको यहाँ पे इस पानी में कुदा देते हैं, अभी तो निकाल दिया यार, अभी तैर रहे थे, ग्रुप वाइज है भाई क्योंकि इनके लिमिटेड सूट्स है ना, तो ग्रुप वाइज और ज़्यादा बंदों को ना भी कुदाएं। तो भाई आज -15-17 हो रहा है और इसमें कूदना है भाई, यार सोच की फट रही है मेरी तो। और एक्चुअली भाई हम चले तो फिनलैंड से थे पर ये जो एक्टिविटी है क्रूज, ये जो रुकता है पोलर एक्सप्लोरर, ये स्टार्ट होता है फिनलैंड से, फिनलैंड का झंडा, ओ सॉरी स्वीडन से, स्वीडन का झंडा भी देख रहे होगे, टाइम में भी हम एक घंटा आगे आ गए हैं, तो स्वीडिश टाइम के हिसाब से हो रहा है सब कुछ, मेरा जो टाइम है वो है आखिरी से एक ग्रुप पहले वाला है, तो 15-1 मिनट इस पानी में आपको डाल देते हैं, जिसको करना है कर सकता है, जिसको नहीं करना मत करो, पर आए हो तो भाई करो क्योंकि ये सूट ऐसा है, कह रहे हैं पानी में चले भी जाओगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, बस एक बार मतलब आप छपाक से पानी में गिरोगे तो आपके मुंह पे वो ठंडा पानी लगेगा, पर मुंह पे इतना ठंडे से ना फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुंह पे ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कोई मतलब इतना वो पता नहीं चलेगा, तो कर लेंगे भाई अब क्या कर सकते हैं, फट तो रही है पर ठीक है। तैरना है भाई हमको थोड़ी देर बाद ना, देखो तो भाई ये सूट पहन लिया, बहुत ज्यादा लूज है ये, मतलब कुछ भी नहीं पकड़ सकते, अब मैं सोच रहा था गोप्रो लेके जाऊं पर काफी मुश्किल है लेके जाना, तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, यहीं से दीपक भाई बना देंगे मेरी वीडियो, चलो आगे चलते हैं।
रो यो Video. तो भाई आ चुका हूँ करके और यहाँ देखो पूरी बर्फ जमी पड़ी है भाई। बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है, काफी गर्म सूट है, कुछ फील ही नहीं होता, मजा आ गया। थैंक यू दीपक भाई। चलो अब दीपक भाई की बारी है, मेरे को वीडियो बनानी है, मेरा मुंह फंस गया। और इसमें पे होते हैं सारे कपड़े, और आपको मतलब अपनी जैकेट वैकेट तो यहीं पे टांग के जानी होती है, जैकेट और जूते, और वो डायरेक्ट वो सूट पहन लेना होता है। तो अपना हम तो घूमाए मतलब पानी में, अब जूते वापस पहन लेते हैं। तो भाई अब आपने देख लिया इस क्रूज पे क्या क्या मिलेगा आपको, इस शिप पे क्या क्या मिलेगा। और देखो अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं लिटरली। सब या तो स्विमिंग कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं नीचे जाके। तो इसके प्राइस की बात करते हैं, इसका सबसे सस्ता पैकेज जो है 285 यूरोस का पर पर्सन का है, जिसमें कि आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ तक। और अगर आप चाहते हो कि रोवानीमी से आपको लेके आए ये लोग, तो पैकेज है अराउंड $415 का, यूरो का। और जैसे मेरा हॉस्टल था वो शायद 370 यूरो में बेच रहा था इस पैकेज को, तो आप इनसे ही बात कर सकते हो डायरेक्ट कि हमको थोड़ा डिस्काउंट कर दो, तो कर देंगे मेरे हिसाब से। ये आप रोवानीमी से आना चाहते हो या स्वीडिश साइड से आना चाहते हो, किसी और सिटी से आना चाहते हो, दो चार सिटीज का ऑप्शन देते हैं ये लोग, तो रोवानीमी सबसे दूर पड़ता है। तो भाई चार पांच अगर आप लोग हो तो आप क्या कर सकते हो, गाड़ी रेंट कर लो। और आप अगर गाड़ी रेंट कर लेते हो तो आपका पर पर्सन लगभग 135 यूरो आने जाने खर्चा बच जाएगा। तो गाड़ी रेंट का लगेगा उसमें और गाड़ी के तेल का लगेगा। एक दिन के रेंट कर लो सुबह से शाम तक और आपका काम हो जाएगा। पाँच जनों में आपका सीधा सीधा 650-700 यूरो तो ट्रांसपोर्टेशन के बच जाएंगे, क्योंकि यार 170 किलोमीटर जाना है, 170 आना, तो ज़्यादा तो नहीं ले रही है, पर हाँ इंडिया के हिसाब से ज़्यादा है, पर वैसे ठीक है। पर अगर आप अकेले बंदे हो तो वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई, ये कहीं कर पाओगे। आप सोचो कि आप कहाँ कर पाओगे, ये कर ही नहीं पाओगे कहीं पर। तो आप इनके साथ ही आ जाओ, मैं तो रिकमेंड करूँगा बस में, जैसे मैं आया हूँ। तो अब बस चलेंगे यहाँ से। यार फ्रीज बहुत ज़्यादा हो रखे हैं मेरे हाथ, पता नहीं आज क्या ही हो रहा है यहाँ पे, इतनी ठंड क्यों हो रखी है। -15-17 में पहले भी गया हूँ, पर इतने हाथ फ्रीज मेरे ज़िंदगी में नहीं हुए कभी जितने यहाँ पे हो रहे हैं। तो अब चलता हूँ नीचे कैफेटेरिया में बैठता हूँ। और हाँ, वो यहाँ पे जो स्विमिंग करी है उसके लिए बार कोड सा भी देते हैं ये आप फोटोज अपनी ले भी सकते हो यहाँ से शायद। तो देखता हूँ कितने का रुपए की है, अगर अफोर्डेबल से हुई तो ले लेंगे। सुवेनियर शॉप है और इस पे आप मतलब अपनी सारी लिंक लेना है तो 15 यूरो, अगर प्रिंट करानी है 25, लिंक प्लस प्रिंट करानी है तो 30। तो ये हम आ गए भाई वापस पोर्ट पे, और अगर मैं थोड़ा टाइम से पहुँच गया सिटी तो मैं भी आज इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊँगा शाम को, क्योंकि आखिरी बस मेरे को लेनी पड़ेगी रोवानीमी सिटी से, जहाँ पे मेरा मतलब स्टे है उसके लिए। तो अगर मैं टाइम पे पहुँच जाता हूँ तो हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाएंगे, वरना हम सुपरमार्केट से लेंगे। बट आई हैव गॉट द चांस जस्ट लाइक दैट। तो भाई यहाँ पे टैग तो है नहीं हमारे पास, ये शायद फ़ोटो का है, ये तो है नहीं। हमको सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से कि हमने ये करा है, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें ना कलेक्ट करने में। ओह थैंक यू सो मच। इस पर नाम वाम नहीं लिखा, अपना नाम खुद लिख लेना है, ठीक है ना।